All right. So this is the most common question I've been asked many a times by those who are not enrolled कि प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करें. इट्स रियली ईजी, आप खुद ही इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. मैं सिर्फ 4 से 5 पॉइंट्स बताऊँगा जिसे आपने माइंड में रखना है, और याद रखें कि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यानी कि कुछ मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है तो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ. सबसे पहला ये है कि डोंट ओवर थिंक. किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको कोई आपने सेलेक्ट की है, उसको अब आपने ओवर थिंक नहीं करना कि यार ये ना हो, ये चले ना. ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है कि अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को देखते रहेंगे, 2 दिन उसकी स्टोर क्रिएशन पर लगा देंगे ना, तीसरे दिन वो आपको बेकार प्रोडक्ट ही बेकार लगने लग पड़ेगी. देख देख कर आपका दिल उकता आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं करना. स्टैट्स हमें बताएंगे कि ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं. तो डोंट ओवर थिंक, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी. ख़ास तौर पर ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आप आज़मा भी सकते हैं. किसी भी प्रोडक्ट पर स्टोर बनाएं, 1-2 दिन जब आप उस पर स्टोर बनाने पर लग जाएंगे तो आपका दिल भर जाएगा. तो ये चीज़ नहीं करनी है. नंबर 2 पर है हमारे पास यूज़ कॉमन सेंस. ट्रक की बत्ती के पीछे ना लग जाएं कि जो भी आपके ऐड चल रहे हैं आप वही चलाने लग पड़ते हैं. फेसबुक पे ऐड देख लेते हैं और उसे जो है ना वो चलाने लग पड़ते हैं. ऐसा नहीं करना. आपने मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं दराज से, ठीक है, ये देखें स्क्रॉल डाउन करते जाएं. कॉमन सेंस किस तरह से यूज़ करनी है. अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है ना, ये देख मैं अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, अब ये सैचुरेट हो चुकी है, बहुत पुरानी है, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ आपको. अब आप ये देख रहे हैं, आपको देखने में इंटरेस्टिंग लग रही है, ये देखें, इसे मैं देखता हूँ कि यार वाकई ये काफ़ी फ़ायदेमंद है. अब ये मैं कॉमन सेंस यूज़ कर रहा हूँ. मैं अपने प्रोडक्ट सारे इसी तरह हंट करता हूँ, 100% इसी तरह कॉमन सेंस यूज़ करके. लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से मेरे पास एज ये है कि मुझे ये पता लग जाता है कि ये पहले किसी ने रन नहीं किया. जैसे अब मुझे ये देख के पता लग गया है ये कि पहले बहुत चल चुकी है. तो ये कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं. अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है, आपको ये प्रोडक्ट तो अच्छी लग गई, उसके बाद आपने फेसबुक लाइब्रेरी चेक करनी है. अब अगर आपने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे जाना है तो आपने सिंपली फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है, इसको ओपन कर लेना है. इसमें क्या होता है, इसमें असल में हमें अपने सारे वो एड्स मिल जाते हैं जो पाकिस्तान में रन हो रहे होते हैं. अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा, ठीक है, और मुझे यहाँ अगर बहुत सारे एड्स मिल जाएंगे तो मैं कहूँगा कि यार मुझे ये नहीं चलानी, ये बहुत ज़्यादा सैचुरेट है. ठीक है, जैसे ये देखें, ये चला रहा है, ये चला रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट चल रही है. अगर मैं देखूंगा कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र हैं तो मैं इसको नहीं चलाऊंगा. ठीक है, तो ये चीज़ है, कॉमन सेंस यूज़ करें, ठीक है, ओवरथिंक ना करें, और चीज़ों को FB ऐड लाइब्रेरी के साथ चेक करें. कुछ भी ना करें, सिंपली दराज पे जाएं और स्क्रॉल करते जाएं करते जाएं. आपको जो है ना वो प्रोडक्ट जो अच्छी लगेगी आप उसे एडवर्टाइज़ करें. जो आपको ये बोलते हैं कि मार्केट में जो चल रही है, ठीक है, अब चूँकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, मार्केट में जो चल रही है अगर तो कोई नई नई चल गया तो ठीक है, आप उसे चला सकते हैं. लेकिन अब ये याद रखें, कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में पहली दफ़ा आती है, वो भी किसी ने अपना जहन का इस्तेमाल करके, अपना माइंड सेट यूज़ करके उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है ना, तो वो जो पहली दफ़ा आती है उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. तो आप भी इसी तरह किया करें, यहाँ पर देखें या लोकल मार्केट में जाएँ, तो आप इसी तरह सिर्फ जो है ना वो प्रोडक्ट हंट करें, ओवर थिंकिंग ना करें, फॉर गॉड सेक छोड़ दें. और उसके बाद अगर आप इससे भी अच्छा और एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि किस तरह मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ या किस तरह मैंने हंट करके दिखाई है, देन यू नीड टू इनरोल इन टू ईकॉम कोर्सेज, जो कि विक्ट्री है, प्रो है, स्नैपचैट है. ये सारे कोर्सेज इस वक्त रमज़ान ऑफर चल रही है, आपको सब कोर्सेज जो है वो 10K में मिल जाएंगे. यू नीड टू विजिट ahmed-vikas.com एंड क्लिक ऑन एनरोल नाउ या गेट नाउ. डिटेल्स करें, सबमिट करें, एंड यू कैन गेट ऑल दीज कोर्सेज.